हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू रेडी विद रेखा। सभी लोग अच्छे हैं यही सोच रही हूँ मैं कि सभी अच्छे रहें। और यहाँ पर मॉर्निंग का नाश्ता बनने जा रहा है, हो गई है सुबह। बहुत तेज़ धूप निकल आई है, इतनी जल्दी सुबह सुबह धूप निकल आती है तेज, क्या बताऊँ। इतनी गर्मी हो रही है ना, तो मैंने यहाँ सोचा है कि क्या बनाया जाए। तो मैं यहाँ पर सोच रही हूँ आलू और प्याज के पकौड़े बना लिए जाए चाय के साथ। तो बस वही मैं फटाफट फटाफट कट करने की तैयारी कर रही हूँ, प्याज और आलू कट करके पकोड़े बनाने हैं। क्योंकि मीशो ना बार बार बोल रही थी मुझे पुआ चाहिए, पकोड़ा चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है चल चाय के साथ ही बना लेते हैं। और जैसे कि आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि मैं वापस आ चुकी हूँ, दिल्ली में वापस आ चुकी हूँ। तो बस दिल्ली का रूटीन जो है, डेली रूटीन जो है वो शुरू हो चुका है। तो आपको अब डेली ब्लॉग जो है वो दिल्ली के ही देखने को मिलने वाले हैं। बहुत सारी धूल मिट्टी, बहुत सारे कपड़ों का ढेर, बहुत सारा हौच पौच, कमरे भी बहुत कुछ करना पड़ा तब जाके थोड़ा सा बैठने लायक हुआ है। अभी भी बहुत सारा काम ऐसा जो है वो करने को बाकी है, बस वही मैं लगी हुई हूँ करने में। और इतनी ज़्यादा गर्मी है, एक बार ना हो या दो बार ना हो या कितनी भी बार ना हो, पता ही नहीं लगता कि हम नहाए हैं। शक्ल और सूरत ऐसी हो रखी है। और दिल्ली का जो है अभी भी लॉकडाउन जो है वो ऐसा ही है। लोग इतने ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि दिल्ली में इतनी ज़्यादा कोरोना की जो मार रही है इस बार, वो लोकल एरियो तक आ गई थी। पिछली बार जो था, क्योंकि मैंने खुद ने एक सर्वे किया था जिसके अंदर हमने पता किया था कि किस किस एरिए में कोरोना से बहुत ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं, प्रभावित एरिए हैं। तो हमने जब पता किया था तो हमें कोठी एरिए, VIP एरियाज, वहाँ से बहुत ज़्यादा डाटा मिला था। तो अब जो इस बार जो रहा है उसमें जो लोकल एरिया है, स्लम एरियाज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। लोग बहुत ज़्यादा, मतलब पर्सनली मैं बताऊँ तो जब मैं दिल्ली आई तो मुझे खुद पता लगा कितने ऐसे लोग थे मेरी जान पहचान के जो कोविड से पॉजिटिव भी हुए और उसके बाद वो एक्सपायर भी हो गए। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ ये सुनकर। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली, कोई समझ ही नहीं पाया कि क्या क्या रहा, क्या क्या नहीं रहा। मैं अपनी एक वीडियो और लेकर आऊँगी, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो मैंने आपको नहीं बताया था। और मैंने सोचा था कि क्या बताऊँ, वैसे ही आप लोग कहोगे जब देखो प्रॉब्लम्स ही बताती रहती है। लेकिन मैंने जब आकर यहाँ पर सुना कि इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं लोगों के साथ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, शायद किसी के काम आ जाए, क्या पता किसी के लिए अच्छा रहे। तो मैं अपनी एक वीडियो लेकर आऊँगी, इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो बस फटाफट से अब ये आलू वालू जो है वो छिल जाए। मैंने लगभग आधा किलो आलू कट किए हैं। और आप मानेंगे, मैंने ये बनाने के बाद मेरे बच्चों ने, हस्बैंड ने, किसी ने भी दोपहर का भी खाना नहीं खाया था, क्योंकि चाय के साथ और सॉस के साथ ये ही इतने ज़्यादा खा लिए थे कि सबको बड़े अच्छे लगे। चलिए देखते हैं क्या बनता है इनका। कुछ खास नहीं, नॉर्मल पकौड़े बनाने हैं, हल्दी मिर्च धनिया और थोड़ा सा अजवाइन डालकर बनाने हैं। ज़्यादा खास कुछ नहीं करना, बहुत ही नॉर्मल बनाने हैं ताकि नाश्ते के साथ सभी का अच्छे से जो है नाश्ता हो जाए। बस यही फटाफट तैयारी करके और मैंने ये काम ख़त्म करना है। उसके बाद सारा दिन बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत सारे काम करने हैं। जैसे कि मैं कह ही चुकी हूँ कि आने के बाद पूरा कमरा फैला हुआ था, बहुत सारे कपड़ों का ढेर है, बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। तो बस उन्हीं को समेटते समेटते सारा दिन लग जाना है आज। तो
आप लोग देख ही रहे थे कि मैंने जो वीडियो की स्पीड तेज कर दी थी, करने की ज़रूरी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी और आप बहुत बोर हो जाते हैं। जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज़ कमेंट करिए। और एक बात और ज़रूरी है, इंस्टाग्राम पर भी आ जाइए, प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग मेरे साथ यूट्यूब पर भी हैं, YT पर भी हैं और इंस्टाग्राम पर भी हैं। यहाँ मीशो ने रो रो के ढेर लगा रखा है क्योंकि इसको पारस ने थोड़ा डांट दिया है, डरा दिया है और एक तो थप्पड़ भी लगा दिया, तो ये बहुत ज़्यादा डर गई है, बहुत परेशान है। इसको बहुत समझा रही हूँ मगर इसकी समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल बिखर गई है, कुछ नहीं मान रही है मेरी। आज रोना ही सोच रखा है क्या? गंदी बात है बेटा, देख 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 क्या बोलेंगे सारे कि मिशु गंदी बच्ची है, मिशु रोती रहती है। अच्छा ये रहा दे, तो उसको तोड़ दे। नहीं तोड़ूंगा। क्या बनाया ये? ये है कल, ये बॉल। बॉल को क्या किया है? हमने बॉल के ऊपर डिजाइन करे हैं, डेकोरेट किया है। सॉरी, डेकोरेट। रास्ते में आते हुए पिंच गिर गई थी इसलिए सही से डेकोरेट नहीं हुआ। आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और मैंने आज का अपना पूरा डे रूटीन शेयर कर दिया। ये पारस का हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो चुका है, हमने वेस्ट मटेरियल से ट्रेन बनाई है और ये बॉल को सजाया है। साथ ही जो मैं आपको एक बात कहना चाहती थी कि पारस और मीशू की जो घमासान लड़ाई हुई थी उसका नतीजा ये हुआ था कि मुझे पूरा दिन लग गया था इन दोनों को समझाने में। एज गैप इतना ज़्यादा ना, मैं एक वीडियो में बात करूँगी एज गैप को लेकर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है दोनों बच्चों के बीच में, कैसा रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इन दोनों बच्चों में और क्या प्रॉब्लम्स रही मुझे। चलिए बाय बाय।